हेलो फ्रेंड्स, उड़द दाल के दही बड़े तो आपने खाए ही होंगे। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि हम उड़द दाल के दही बड़े खा नहीं पाते हैं बिकॉज़ हमको उससे गैस होती है, तो वो दही बड़े खाने के लिए तरस जाते हैं। तो आप टेंशन ना कीजिए, आज मैं आपको एक नए प्रकार के दही बड़े सिखाऊंगी जो एक ऐसी दाल से बने हैं जो खाने में तो बेहद स्वादिष्ट होंगे और उससे गैस भी नहीं होगी और आपको उससे खाने से हेल्थ रिलेटेड कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। और इस दाल से दही बड़े सुपर सॉफ्ट बनते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए मैं आपको बनाना सिखाती हूँ मूंग दाल के दही बड़े। जो पीली मूंग दाल होती है वो हम सबके घर में इजीली अवेलेबल होती है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपको इस प्रकार के दही बड़े बनाना सिखाती हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसके लिए आपको 2 कप मूंग की दाल को भिगा के रखना है 2 घंटे के लिए। इसे ज़्यादा देर नहीं भिगाना है, नहीं तो आपके दही बड़े जो है वो बिखरने लगेंगे। अब इसको एक मिक्सी के जार में डालकर इसका बिल्कुल महीन पेस्ट बनाना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट। देखिए जिस तरीके से मैंने बनाया, इसका बारीक पेस्ट बनाना है। अब इसको एक बर्तन में उतार दीजिए। अब ये देखिए, इसको मैंने एक बर्तन में उतार दिया है और अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी। अपनी स्वादानुसार आपको इसमें नमक ऐड करना है। तब तक मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अब इन दही बड़े को पेस्ट को 5 मिनट तक लगातार घुमाते रहिए। जितना ज़्यादा आप उसको घुमाएंगे दही बड़े उतने ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनेंगे। अब तब तक आपको एक साइड में बड़े बर्तन में ठंडा पानी भर के रखना है, क्योंकि जैसे ही दही बड़े आप तेल से निकालेंगे उनको पानी में डालना है। अब ये देखिए, आपको तेल जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम हीट पर रखना है। पहले तेज़ आंच पर रखना है, फिर मीडियम हीट पर रखना है। जब आप इसमें बड़े डालेंगे तो आपकी आंच जो है वो मीडियम होनी चाहिए। ये देखिए, अब इसमें ऐसे गोल गोल करके दही बड़े डालने हैं स्पून से, आप हाथ से भी डाल सकते हैं। तब तक मैंने साइड में एक कटोरी में इमली भिगा के रखी है इमली की चटनी बनाने के लिए। इमली को आपको 10 मिनट तक भिगा के रखना है और इसमें सॉल्ट डालना है, फिर उसको उबालना है गैस पर। ये देखिए, गैस पर इसको तब तक उबालना है जब तक इसका पानी आधा नहीं हो जाए। फिर ठंडा करके आपको इमली को मैश करना है, इससे आपकी गाढ़ी चटनी बनेगी। तब तक साइड में ये हमारे दही बड़े भी फ्राई हो चुके हैं। फ्राई होने के बाद इन्हें डायरेक्ट पानी में डालना है एंड पानी में आपको इसको कम से कम 20 मिनट तक भिगा के रखना है। जितनी देर आप भिगाएंगे आपके दही बड़े उतने ज़्यादा सॉफ्ट होते जाएंगे। तो इसको आपको आधे घंटे से ज़्यादा नहीं भिगाना है। देखिए, अब मैंने एक दही ले लिया है एक पैन में, उसमें मैं सॉल्ट ऐड करूँगी एंड काला नमक ऐड करूँगी। आपको अपने स्वाद अनुसार ऐड करना है एंड 1 चम्मच मैंने शक्कर डाली है। मैंने दही को मीठा किया है। कुछ लोगों को चटनी मीठी पसंद होती है बट हमारे यहाँ पे दही को मीठा किया जाता है। अब उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और उसको घुमाते जाइए जब तक दही आपकी पूरी प्लेन नहीं हो जाए। अब ये देखिए, जो दही बड़े हैं इनको आपको पानी से निचोड़ के सीधा दही के बैटर में डालना है। मैंने एक एक करके सारे जो बड़े हैं उनको निचोड़ के बैटर में डालती जा रही हूँ। आपको सारे दही बड़ों को दही में कम से कम 20 मिनट तक डिबो के रखना है। इससे ये दही बड़े पूरी दही को एब्जॉर्ब कर लेंगे और खाने में दही का टेस्ट भी अच्छे से आएगा। अब मैंने उनका इसके ऊपर ये मसाले डाले हैं, काली मिर्च, जीरा पाउडर एंड लाल मिर्ची। इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है जिस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा है। अब इसके ऊपर आपको ग्रीन चटनी को स्प्रिंकल करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, और ये इमली की चटनी को भी स्प्रिंकल करना है। अच्छे से फैला के डालना है। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप ज़्यादा इमली की चटनी डाल सकते हैं, हमें यहाँ कम खट्टा पसंद है। अब इसके ऊपर धनिया स्प्रिंकल करना है। ये देखिए, हमारे शाही शानदार दही बड़े तैयार हैं। मूंग दाल के दही बड़े जो है वो बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं, लाइट होते हैं और गैस भी नहीं करते हैं।
तो दोस्तों आपको ये दही बड़े कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और इसको बना ज़रूर बनाइए। आप इसको एक बार बना के देखेंगे तो आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे कि इतने स्वादिष्ट दही बड़े हैं मैंने बनाना सिखाए हैं आपको। और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।